हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरू गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज, बीकानेर। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट वन के फर्स्ट पेपर यानी कि अकार्बनिक रसायन की फर्स्ट यूनिट, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस चैप्टर से अगले टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, जहाँ हमने उस लेक्चर को एंड किया था कि मैटर वेव्स या डी ब्रोगली वेव्स क्या होती हैं। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए डी ब्रोगली इक्वेशन और उससे रिलेटेड डेरिवेशंस की किस तरह से उत्पत्ति हुई, उनको हम आज इस लेक्चर में कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम एक बार पुराने लेक्चर से कंटिन्यू करते हुए आपको ये बताते हैं कि डी ब्रोगली मैटर वेव्स या डी ब्रोगली वेव्स क्या हैं। सो आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स, ये लुईस डी ब्रोगली, जो कि एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, एक फ्रेंच भौतिक विज्ञानी थे, उन्होंने 1924 में ड्यूअल कैरेक्टर यानी कि द्वैत प्रकृति की परिकल्पना प्रतिपादित की। उनके अनुसार पार्टिकल और वेव दोनों किसी भी कण का नेचर होता है या उसकी प्रकृति होती है। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर लाइक प्रोटोन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स आर इन मोशन, दे शो पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। डी ब्रोगली के अनुसार जो छोटे कण होते हैं, जैसे हम प्रोटोन की बात करें या इलेक्ट्रॉन्स की बात करें या छोटे छोटे परमाणु जो कि गतिशील अवस्था में हैं, उनमें उन्होंने देखा कि वो कण के साथ साथ तरंग की प्रकृति को भी शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। दिस कैरेक्टर ऑफ मैटर इज नोन एज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। उन्होंने इस द्रव्य की इस चरित्र को या इस प्रकृति को ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या द्रव्य की द्वैत प्रकृति नाम दिया। डी ब्रोगली पॉइंटेड आउट दैट द इलेक्ट्रॉन्स लाइक लाइट बिहेव्स बोथ लाइक पार्टिकल एंड एज वेव, सो इट हैज़ ड्यूअल कैरेक्टर। और इसी को आधार मानकर डी ब्रोगली ने यह कहा कि यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम ये देखते हैं कि वो प्रकाश की तरह, एक तरंग की तरह, तरंग जैसा और एक कण के जैसा दोनों व्यवहार प्रदर्शित करता है, अर्थात उसकी द्वैत प्रकृति होती है। अब हम इस डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस इक्वेशन को किस तरह से डिराइव किया जाएगा ये देखेंगे। दिस इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड बाय कंबाइनिंग द मास एनर्जी रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस्ड बाय प्लैंक्स एंड आइंस्टीन। डी ब्रोगली की इक्वेशन द्रव्यमान ऊर्जा के संबंधों पर आधारित है, जो कि प्लैंक और आइंस्टीन द्वारा दिए गए थे। सिंस दिस वॉज डिराइव्ड बाय डी ब्रोगली, हैंस ऑन हिज नेम इट इज़ कॉल्ड डी ब्रोगली इक्वेशन। हालांकि हम ये दोनों इक्वेशंस को मिला के डी ब्रोगली इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे, लेकिन चूंकि ये डेरिवेशन या ये डिराइव की गई डी ब्रोगली के द्वारा, इसलिए इस इक्वेशन को डी ब्रोगली इक्वेशन भी कहते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वेव लेंथ ऑफ ए पार्टिकल लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड। और इस इक्वेशन या इस समीकरण की सहायता से हम पार्टिकल या कण की तरंग दैर्ध्य, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m मूव विद अ वेलोसिटी c अराउंड द न्यूक्लियस एंड कैन बी एसोसिएटेड विद अ वेवलेंथ लैम्डा। मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान m है और वो c के वेग से न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है और उससे रिलेटेड या उससे संबंधित उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। तो अब हमारे पास इक्वेशन वन और टू के रूप में सबसे पहले क्या आएगी, मैक्स की प्लैंक थ्योरी के अनुसार E इज इक्वल टू एच वी होता है, यानी कि ऊर्जा H और V के बराबर होती है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब हम इन सारे सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ E क्या है, इट इज़ द एनर्जी ऑफ पार्टिकल और एन इलेक्ट्रॉन। चूँकि हमारे लिए यहाँ कण के रूप में हमने इलेक्ट्रॉन को लिया है, इसलिए यहाँ E का मान इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से रूप दिखा जाएगा। H आप जानते हैं, इट इज़ अ प्लैंक कॉन्स्टेंट, ये प्लैंक स्थिरांक है। V इज़ द फ्रीक्वेंसी, ये आवृत्ति है। M इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M द्वारा प्रदर्शित किया गया है।
सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी है प्रकाश का वेग। अब अगर हम इन इक्वेशन वन और टू को कंबाइन कर दें तो E इज़ इक्वल टू एच न्यू भी है और E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, एम सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू एच न्यू। और V का मान क्या होता है, C अपॉन लेमडा के बराबर। तो जब हम यहाँ V की जगह C अपॉन लेमडा रखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एच मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन लेमडा। और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो दोनों तरफ से एक सी कैंसिल हो जाता है और हमें इक्वेशन तीन के रूप में क्या मिलती है, एम सी इज़ इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। और अगर हम चूंकि तरंग दैर्ध्य कैलकुलेट कर रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपॉन एम सी। ये है हमारी समीकरण संख्या तीन। अब इक्वेशन थ्री, ये किसके लिए है, एक फोटोन के लिए है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, बाय सब्स्टिट्यूटिंग मास ऑफ पार्टिकल एम and its frequency nu in place of c, the resultant equation can be applied to material particle। चूँकि ये वेव नेचर के लिए हमारे पास आई है और हमें इससे रिलेट किसको करना है, कण को। तो यहाँ हमने, यहाँ डी ब्रोगली ने क्या किया, मास m रखा और v के स्थान c के स्थान पर v को पुट किया, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या, किस रूप में आई, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। और एम वी क्या होता है, पी के बराबर, यानी कि संवेग के बराबर होता है। तो हमारे पास जो फाइनल लैम्डा की इक्वेशन आएगी, इट इक्वल्स टू एच अपॉन पी। और यही इक्वेशन फोर जो है वो डी ब्रोगली इक्वेशन कहलाती है एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल मटीरियल पार्टिकल्स इन मोशन। और ये वो इक्वेशन है, वो समीकरण है जो गतिशील कणों के लिए लागू की जा सकती है या उन पर लागू होती है। अब इस इक्वेशन में आप देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज पी। तो हम ये कह सकते हैं चूँकि प्लैंक कांस्टेंट तो स्थिरांक है, इसलिए लैम्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, या मोमेंटम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ये कहा जा सकता है कि मोमेंटम या किसी एक गतिशील कण का संवेग उसकी तरंग दैर्ध्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ आप एक छोटा सा डायग्राम देख रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को या उसकी तरंग प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें आप न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में, एक वृत्ताकार पथ में तरंग के रूप में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देख पा रहे हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन को इस डायग्राम से रिलेट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस में हम सबसे पहले बात क्या करेंगे कि बोर अजम्पशन फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट वाज आर्बिट्रेरी। बोर ने क्वांटीकरण का अजम्पशन दिया था, बट डी ब्रोगली वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन्स दिस फैक्ट एज फॉलोज। लेकिन बोर उसे समझा नहीं पाए थे, लेकिन जो डी ब्रोगली की वेव थ्योरी है या डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत है इलेक्ट्रॉन के लिए, उससे हम इस क्वांटाइजेशन को या क्वांटीकरण को समझा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, द इक्वेशन, द इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ सॉलिड पार्टिकल मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। डी ब्रोगली ने पहली बात जो कही वो ये कि इलेक्ट्रॉन कोई ठोस कण नहीं है जो कि नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, बट इट इज़ अ स्टैंडिंग वेव एक्सटेंडिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। बल्कि ये एक स्थिर तरंग है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वृत्ताकार कक्ष में उपस्थित है। डी ब्रोगली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। इन दोनों बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बोर का परमाणु सिद्धांत या परमाणु मॉडल जो दिया गया था उसको समझाने में डी ब्रोगली इक्वेशन का बहुत बड़ा योगदान है। अकॉर्डिंग टू बोर, हम पढ़ चुके हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीप्लल ऑफ एच अपॉन टू पाई। हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था कि बोर के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपॉन टू पाई का इंटीजर होता है या एक पूर्णांक होता है। तो उस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एम वी आर जो कि एंगुलर मोमेंटम है, इट इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय
एच अपॉन टू पाई, वेयर एन इज 1, 2, 3, यानी कि एक होल नंबर है। एच अपॉन टू पाई को अगर हम 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 2, या 3 जो कि एक होल नंबर है, एक इंटीग्रल नंबर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग। इस इक्वेशन को हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। सेकंड स्टेप में हमने देखा कि एम वी आर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, तो हमारे पास क्या रह जाएगा दूसरे राइट हैंड साइड पे, एन एच। और 2 पाई आर से हम कैलकुलेट करके एन एच अपॉन एम वी ले सकते हैं, और एच अपॉन एम वी की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है, इट इक्वल्स टू लेमडा, जो कि लेमडा के बराबर होती है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन से हम एच अपॉन एम वी की जगह क्या पुट करेंगे, लेमडा, और हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन के रूप में क्या आएगी, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा, अर्थात सरकमफेरेंस या वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है, एन इंटू वेवलेंथ के बराबर होती है। हैंस सरकमफेरेंस ऑफ एन ऑर्बिटल इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, अर्थात वृत्त की परिधि किसी कक्ष की तरंग दैर्ध्य, किसी कक्ष में उसकी तरंग दैर्ध्य का इंटीग्रल मल्टीपल होती है। दिस इक्वेशन 5 इज क्लियरली एक्सप्लेन बोर्स पॉस्टुलेट दैट द इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। इस इक्वेशन की सहायता से बोर के इस परिकल्पना को समझाया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षकों में घूमता है जिनका कोणीय संवेग एच अपॉन 2 पाई का पूर्णांक गुणक होता है। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन कैलकुलेशन ऑफ वेव लेंथ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। इस इक्वेशन की सहायता से हम किसी गतिशील कण की तरंग दैर्ध्य को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सब बातों के बाद हम ये कह सकते हैं कि डी ब्रोगली इक्वेशन तरंग और कण दोनों प्रकृति को समझाने में सफल हुई, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं सीमा रही, वो क्या है कि डी ब्रोगली मैटर वेव्स नेचर यानी कि द्वैत प्रकृति हैज़ ओनली सिग्निफिकेंस व्हेन अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक या टाइनी पार्टिकल्स। सबसे बड़ी सीमा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है कि डी ब्रोगली मैटर वेव नेचर यानी कि द्वैत प्रकृति सिर्फ वहीं लागू हो सकती है या उन्हीं स्थितियों में महत्वपूर्ण होगी जब ये बहुत छोटे कणों पर अप्लाई की जाएगी। इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। इसकी मैक्रोस्कोपिक बॉडीज यानी कि बड़े कणों पर कोई प्रभाव नहीं है और उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोपिक बॉडी आर टू स्मॉल टू बी मेजर्ड बाय एनी सूटेबल मैथड। और इसका मुख्य कारण है कि मैक्रोस्कोपिक बॉडीज से या बड़े कणों से जो मैटर वेव्स एसोसिएटेड होती हैं, संबंधित होती हैं, उनकी तरंग दैर्ध्य इतनी छोटी होती है कि उनको उसको ज्ञात करना किसी भी मेथड किसी भी विधि द्वारा ज्ञात करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये जो सारी बातें हैं जिसमें हमने डी ब्रोगली ने क्या अपना कॉन्सेप्ट दिया, उनकी इक्वेशन को हम ऊर्जा और तरंग के समीकरण यानी कि मैक्स प्लैंक थ्योरी और आइंस्टीन थ्योरी के आधार पर कैसे इक्वेशन को डराइव कर सकते हैं, और इस डी ब्रोगली समीकरण की सबसे बड़ी उपयोगिता किसके द्वारा कि बोर के पॉस्टुलेट को समझाया जा सकता है, और आखिर में उसकी क्या लिमिटेशन या उसकी क्या सीमाएं हैं, इन सब के बारे में हमने आज चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। टिल देन थैंक यू।